की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिस्की ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटित सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स सब्स कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्लस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूज़िक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉल इन बुडेन ने चार्ल्स का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप हाँ सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, है, है।, है, है, को है, nine, है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनूसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेल ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो गए उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जानर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जानर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडे ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये जो मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप ज़रूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <laughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगाल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटीथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटीथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमार एस वाई ने पैरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के uh, के ऊपर जो कि जेन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगाल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिस्की ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स सब्स कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमोर एस वाई ने पैरोल्ट का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडल ने चार्लस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रस भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर 150 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमोर एसवाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेन ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जानर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो ये कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का 100 मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेल ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी तो का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूज़िक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है 21 फरवरी 2020 एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का 100 सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमोर एस वाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गैलन ने मर्सिडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्ल्स का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो तो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगाल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूज़िक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हजार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमार एस वाई ने पैरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लग एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगाल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिस्की ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स सब्स कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉय्सा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेन ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये जो मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <laughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूज़िक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमोर एसवाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेन ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, ये कुछ मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो तो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so ये कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी तो का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी तो की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटियथ सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का 100 मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पेरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉय्सा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडे ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने दा दा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हजार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जोहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमार एस वाई ने पेरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज़ का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so ये कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है एरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडे ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये जो मेन एक्ट्रेस होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप ज़रूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <laughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हजार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स सब्स कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉय्सा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेन ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जानर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप ज़रूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने, है। देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉल इन बुडेन ने चार्ल्स का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है एरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर 150 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पेरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉय्सा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो ये कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है एरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एस वाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहान पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडे ने चार्लस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये जो मेन एक्टर्स होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप ज़रूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के ऊपर के जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म दे पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने दा दा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगाल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फॉर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनूसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूज़िक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हजार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो ये कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एसवाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का कैरेक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सिडीज का कैरेक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का कैरेक्टर निभाया है जीन लॉय्सा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बुडेन ने चार्ल्स का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये जो मेन एक्ट्रेस होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप ज़रूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी काफी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें <coughs> सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है अरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवन्स देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ़ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटीथ सेंचुरी स्टूडियोज़ ट्वेंटी सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम में द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट एक सौ पच्चीस से लेकर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का ऑफिस कलेक्शन 111 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स सब्स कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जॉहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमॉर एस वाई ने पैरोल्ट का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज़ का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज <laughs> मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयल्सा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉलिन बोडेल ने चार्लस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो so ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको कोएक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो so अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नावल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो so यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज के का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में यह मूवी साल 2020 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है साथ ही में आपको पता चलेगा द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी ने किया था सो so, आपको डिटेल में इस मूवी के बारे में पता चलेगा साथ ही में इस मूवी का फुल रिव्यू मिलने वाला है आपको इस वीडियो में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है एरविन स्टॉफ ने जेम्स मैंगल्ड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड देखने को मिल जाते उसके आगे ओमर एसवाई देखने को मिल जाते हैं डैन स्टेवंस देखने को मिल जाते हैं कैरन गैलन देखने को मिल जाते हैं एंड ब्रैडले वाइटफोर्ड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सनमैटोग्राफी की है जनुसज कमिंसकी ने एंड एडिट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को विलियम हॉय ने एंड डेविड हैंस ने म्यूजिक किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जहन पॉवेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के ट्वेंटिथ सेंचुरी स्टूडियोज ट्वेंटिथ सेंचुरी फैमिली टी एस जी एंटरटेनमेंट थ्री आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ ने एंड इस मूवी का रिलीजिंग डेट है इक्कीस फरवरी दो हज़ार बीस एंड रनिंग टाइम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का एक सौ मिनट्स इस मूवी के बजट की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का बजट 125 से लेकर 150 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक सौ ग्यारह मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बजट टीम के बारे में बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर हैरिसन फोर्ड ने जहन थॉर्नटन का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे अमार एस वाई ने पैरोल्ट का करैक्टर निभाया है इस मूवी में डैन स्टेवेंस ने हॉल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में कारा गी ने फ्रेंकोइस का करैक्टर निभाया है कैरन गेलन ने मर्सडीज का करैक्टर निभाया है ब्रैडले वाइटफोर्ड ने जज मिलर का करैक्टर निभाया है जीन लॉयसा ने कैली जीन लॉयसा कैली ने कैटी मिलर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे कॉल इन बुडेन ने चार्ल्स का करेक्टर निभाया है इस मूवी में माइकल हॉर्स ने एडन शॉ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सो ये कुछ मेन एक्टर्स हो होगी उसके आगे काफ़ी आपको को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस मूवी में इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी का जॉनर एडवेंचर मूवी है सो अगर आपको अमेरिकन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी आपको यह मूवी पसंद आने वाली है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है आप जरूर से देख सकते हो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस सैंडर्स ने जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड नॉवल के ऊपर बनाई गई है जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया जो कि जैक लंडन द्वारा लिखा गया था एंड 1935 फिल्म के आ, के ऊपर जो कि जीन फॉलर के ऊपर बनाई गई है सो यह कुछ आपको पता चल गया उसके आगे एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी में सो so, आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर से बता देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी को देख सकते हो आपको पता चल जाएगा सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम